चंपावत में थाना टनकपुर के अंतर्गत एसओजी की टीम एवं थाना टनकपुर पुलिस द्वारा आईआईटी टनकपुर से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 1 लाख से ज्यादा नकली नोट बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, अभियुक्त का नाम मुख्तार अली है, जो कि ग्राम पंडेरी वार्ड नंबर 4 सितारगंज उधम सिंह नगर निवासी है। वहीं पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो नकली नोट अपने साथी नितिन राठौर निवासी वार्ड नंबर 17 गली नंबर 9 रामपुर रोड हल्द्वानी से लाया था, जिसे वो टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत असली नोटों के भाव में चला रहा था। वहीं से पूर्व भी वो नकली नोटों को जनपद उधम सिंह नगर चंपावत अन्य क्षेत्रों पर चला चुका है। वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर साथी नितिन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर नितिन ने बताया कि वो सट्टे का कारोबार करता है और रकम जीतने वाले ग्राहकों के लिए प्रिंटर से स्कैन प्रिंट कर नकली करेंसी बनाकर असली रूप देता है। वहीं अभियुक्त की तलाश की, जिसके जेब से नकली नोट बनाने की अवैध सामग्री बरामद हुई है। आपको बता दें, अभियुक्त सट्टे का कारोबार करने के साथ ही नकली नोट बनाते हैं और खुद उधम सिंह नगर हल्द्वानी नैनीताल जनपद और चंपावत में असली रूप में नकली नोट चलाते हैं। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें, ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।